Hi kids, welcome to your SST class. How are you all? Are you doing good? I'm sure you all are doing good. So children, today we shall start with a new lesson of our SST book, that is communication. So welcome to your SST class, where I am Ananya, your teacher and mentor, and I am back with a very interesting chapter of your book, that is Jelly Bean Journeys by Brainroot Publication. बच्चों, हम सभी बात करना बहुत पसंद करते हैं ना, हमें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, स्पेशली अपने फ्रेंड्स के साथ हर बात शेयर करनी होती है, राइट? अगर हम कुछ नहीं बता पाते या नहीं बोल पाते तो फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हमें लगता है कब कितनी जल्दी हम लोगों को बताएंगे. बातचीत करना, लिखकर कुछ बताना, ये सभी एक तरह से एक तरीका है जिससे हम अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं. एंड दिस इज़ व्हाट कम्युनिकेशन इज़. अगर हम कम्युनिकेट ना करें तो फिर लाइफ बहुत ही डल एंड बोरिंग हो जाएगी. तो आइए शुरू करते हैं नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, दैट इज़ कम्युनिकेशन. So children, first of all, let's see what are we going to study in this chapter. We are going to study about early means of communication. यानी पहले communication कैसे होता था, communication के साधन क्या थे. Then we are going to study about the modern means of communication. यानी आजकल हम कौन कौन सी चीज़ों के द्वारा communicate करते हैं. And we will also learn about the concept of mass communication. यानी जब हमें बहुत सारे लोगों को कुछ बताना होता है तो हम कैसे बताते हैं, कैसे मैसेजेस पहुंचाते हैं. ओके, बट बिफोर दैट देयर इज़ एन एक्टिविटी गिवन. लेट्स डू दिस. दिस इज़ अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, चिंकी एंड पिंकी. चिंकी और पिंकी के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, वो लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं. वी हैव टू कम्प्लीट द कन्वर्सेशन विद द हेल्प बॉक्स गिवन. हमें जो हेल्प बॉक्स दिया है उसमें जो वर्ड्स दिए हैं, हमें उससे हेल्प बॉक्स के थ्रू कंप्लीट करना है. हाय, इट इज़ 11:30, इट्स अ परफेक्ट डे. ऑलराइट, आई एम रेडी टू कम ओवर. मैं तैयार हूँ आने के लिए. आई एम सो ग्लैड. ऑलराइट, वी विल राइड बाइक्स डैश हैव अ चैट टू. वी विल हैव अ चैट टू. I did not eat lunch yet. तो फ्रेंड चिंकी ने बोला मैंने अभी तक खाना नहीं खाया. इस पर पिंकी बोलती है I didn't either. मैंने भी नहीं खाया. Alright? I cannot wait to see you. मैं तुमसे मिलने के लिए और देर नहीं कर सकती. I dash still sit. I can't still sit. मैं भी तुमसे मिलने के लिए उतनी ही बेचैन हूँ. You are my best friend and you are mine. मैं तुम्हारी, तुम मेरी best friend हो, तो Pinky ने बोला और तुम मेरी हो. Alright, so this is the way how we completed the exercise. I hope आप सब ने भी कर लिया होगा. Now let's begin the chapter. Okay? Before we study the different means of communication, it is very much important that we understand what is the actual meaning of the word communication. Communication का मतलब क्या है? Communication का मतलब है बच्चों, अपने विचारों को या अपनी भावनाओं, अपनी feelings को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना. यानी हमारे अंदर जो हमारी जो सोच है या हमारी जो feelings है उसको किसी और तक पहुंचाना, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करना या एक्सचेंज करना. ओके, द वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. इट मीन्स टू स्पीक, राइट और यूज साउंड्स और साउंड टू शेयर आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन विद ईच अदर. यानी किसी भी तरीके से बोलकर, लिखकर, इशारों से समझाकर या अलग अलग आवाज़ से किसी और को अपने विचार समझाना या उनके विचारों को समझना, इसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं. वी कैन कम्युनिकेट बाई टॉकिंग, लिसनिंग और राइटिंग. हम सुनकर, बोलकर या लिखकर कम्युनिकेट कर सकते हैं. डिफरेंट मीन्स बाई विच वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. यानी कोई भी ऐसा साधन या मीडियम जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं,
उसे हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी को बात करनी है तो हम इमिजिएटली क्या करते हैं, आजकल फ़ोन करते हैं। तो फ़ोन इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा रही जा रही है न्यूज़ के थ्रू, तो जो न्यूज़ हम तक पहुंच रही है टीवी के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, वो भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ऐसे ही कई तरह के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, आइए इन सब के बारे में जानते हैं। अर्ली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी पहले लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे। अर्ली मैन डिड नॉट नो एनी लैंग्वेज, जो आदि मानव है उसे तो बोलना लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, बाद में धीरे धीरे सीखा ना। ही यूज्ड साइंस, बीटेड ड्रम्स एंड सेंट फायर सिग्नल्स एंड इमिटेटेड साउंड्स टू सेंड मैसेजेस। अलग अलग तरह के इशारे करके, ड्रम बजा के, आग जला के, अलग अलग तरह के ऐसे साइंस और सिंबल यूज़ करके अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाता था। These simple sounds were the beginning of language development, और इन्हीं sounds से धीरे धीरे languages को हमने develop किया है। Later on man learned the skill of pictorial writing, आगे चल के लोगों ने pictures बना के लोगों के साथ communicate करा, ठीक है, यानी picture या images के through लोगों को अपने विचार समझाने शुरू किए, और यहीं से धीरे 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 पेंटिंग्स, पहले छोटी छोटी पिक्चर्स, फिर पेंटिंग्स, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है राइटिंग इन्वेंट हुआ। पहले लोग गुफाओं पर ऐसे पिक्चर्स बना बना के कम्युनिकेट करते थे। कैन यू सी दे आर ड्राइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिक्चर्स, ठीक है। ऐसे बहुत से केव्स हैं जहाँ पर हम आज भी इस तरह की जो ड्राइंग्स हैं या पिक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं। Evidence of such writings can still be found in some ancient caves. Okay? Soon they develop language and alphabet. धीरे धीरे signs and symbols से languages और alphabets बने. The alphabet enabled the formation of words and sentences. जब धीरे धीरे छोटे छोटे अक्षर बने, फिर अक्षरों से शब्द बने और शब्द से वाक्य बना, और आज हम इजीली शब्दों से, वाक्यों से और अलग अलग भाषाओं से अपने फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, राइट। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ओवर टाइम पीपल डेवलप लैंग्वेजेस एंड अल्फ़ाबेट। द अल्फ़ाबेट अलाउड देम टू फॉर्म वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड मेकिंग कम्युनिकेशन इवन मोर इफेक्टिव। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों में प्रोग्रेस होती चली गई, लोग बेहतर समझने लगे, डेवलपमेंट करने लगे, उन्होंने लैंग्वेज और अल्फ़ाबेट्स को डेवलप किया। अल्फ़ाबेट्स बनते ही, यानी अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बने, वर्ड्स से धीरे धीरे सेंटेंसेस बने, और बातों को और भी आसानी से और बेहतर तरीके से हम लोग समझने लगे, ठीक है। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आजकल तरह तरह के कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, जैसे कि लेटर्स, फोन्स, टेलीग्राम्स, देन न्यूज़पेपर्स, देन इंटरनेट, कंप्यूटर्स, रेडियोस, टीवी एंड व्हाट नॉट, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम्स लेटर्स, टेलीफोन, मोबाइल फोन्स, ईमेल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशंस। सबसे पहले पोस्टल सिस्टम, यानी पोस्ट ऑफिस जहाँ चिट्ठियाँ आती हैं उनके बारे में जानते हैं। द पोस्टल सिस्टम इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। इट अलाउज टू सेंडर्स एंड रिसीव लेटर्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। चिट्ठियाँ यानी पोस्ट के थ्रू, डाक के थ्रू हम किसी भी कोने पर जो हैं चिट्ठियाँ भेज सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लिख कर लोगों तक अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। ऑलराइट, नाउ वी विल स्टडी अबाउट जर्नी ऑफ लेटर, यानी चिट्ठियों की शुरुआत कहाँ से हुई। वी राइट मैसेजेस और इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स और प्लेन पेपर विच वी प्लेस इन एन एनवेलप। हम जो चिट्ठियाँ लिखते हैं, या तो हम उन्हें पोस्ट कार्ड्स पर लिखते हैं, या फिर हम उन्हें इनलैंड लेटर्स पर लिखते हैं, या फिर हम उन्हें पेपर पर लिख के लिफाफा यानी एनवेलप के अंदर भर देते हैं। सी चिल्ड्रन, पोस्ट कार्ड्स आपको आज भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, पोस्ट कार्ड्स इस तरीके के होते हैं, यहाँ पे स्टैम्प्स होते थे, यहाँ एड्रेस लिखने की जगह होती थी, और आप अपनी चिट्ठी ये ब्लैंक पोर्शन पर लिखते थे, ठीक है। इनलैंड लेटर्स जो है वो ब्लू कलर के होते थे और इससे छोटे होते थे।
वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होते थे, पोस्ट कार्ड से ज़्यादा डिटेल्ड में होते थे, लेकिन ये लेटर्स को फोल्ड किया जा सकता था और इनको लिखने के बाद सील कर दिया जाता था और यहाँ पे जो है एड्रेस लिखने की जगह होती थी। ये यूजुअली ब्लू कलर के होते थे, पोस्ट कार्ड्स यूजुअली ग्रीन या येलो कलर के होते थे और इनलैंड लेटर्स जो हैं वो ब्लू कलर के होते थे। इसके अलावा हम पेपर पर चिट्ठी लिख के एनवेलप के अंदर भी चिट्ठी को डाल के इजीली पोस्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज़ अ पोस्ट कार्ड, दिस इज़ एन इनलैंड लेटर एंड दिस इज़ एन एनवेलप। ठीक है, आप जाकर इन्हें पोस्ट ऑफिस में आज भी देख सकते हैं और जिनके घर पे बड़े लोग हैं जैसे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, आप उनसे पूछेंगे तो आई एम श्योर आपके नाना नानी या दादा दादी के पास इनमें से पोस्ट कार्ड या इनलैंड लेटर एक ना एक तो उन्होंने संभाल के रखा ही होगा। आप उनसे भी मांग कर देख सकते हैं। At the post office, workers sort letters by their addresses and send them via road, rail or air. देखो, सबसे पहले तो चिट्ठी लिखने के बाद स्टैंप लगा के इन्हें पोस्ट बॉक्स में, जो लाल रंग का पोस्ट बॉक्स होता है, उसमें ड्रॉप कर देते हैं। बाद में जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो इन लेटर्स को निकालते हैं और एड्रेस और पिन कोड के अकॉर्डिंग इनको छांटते हैं और अलग अलग करके अरेंज करते हैं। फिर इन्हें बड़े बड़े पार्सल्स में बांधा जाता है और इन्हें या तो रोड बाय रोड या बाय रेल या बाय शिप अलग अलग जगह भेजा जाता है। द पोस्टमैन देन डिलीवर्स द लेटर्स टू द रिसिपेंट। उसके बाद जब ये डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तब वहां से पोस्टमैन इन लेटर्स को लेके करेक्ट एड्रेस पे पहुंचा कर आता है। ठीक है, टेलीग्राम्स इन द पास्ट, पहले टेलीग्राम्स भी होता था, दिस इज़ अ टेलीग्राम मशीन। आजकल हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी को मैसेज भेजना हो तो इमीजिएटली SMS कर देते हैं, राइट, मोबाइल पर व्हाट्सएप कर देते हैं या फिर ईमेल लिख देते हैं या जल्दी से कॉल कर लेते हैं। पहले ऐसा तो नहीं था, पहले तो इतना एडवांस नहीं था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तब अगर कोई अर्जेंट मैसेज भेजना होता था तो लोग तार भेजते थे, जिसे हम टेलीग्राम बोलते हैं इंग्लिश में। टेलीग्राम एक शॉर्ट लेटर होता है जिसमें सिर्फ दो या तीन लाइंस में ही, यानी कुछ थोड़े बहुत शब्दों में जो सबसे अर्जेंट मैसेज होता था वो लिखकर भेज दिया जाता था। ठीक है, टेलीग्राम सबसे जल्दी पहुंचता था। इन इमरजेंसी शॉर्ट एंड प्रिसाइज मैसेजेस वर सेंट यूजिंग टेलीग्राम्स। टेलीग्राम मशीन्स वर यूज टू सेंड सच अर्जेंट मैसेज। इस तरह के मशीन्स होते थे, इनके थ्रू हम अर्जेंट मैसेज भेजते थे। द टेलीग्राम सर्विस वॉज क्लोज डाउन इन इंडिया आफ्टर 163 ईयर्स ऑफ ऑपरेशंस सिंस 1850, यानी 1850 में टेलीग्राम ऑफिस स्टार्ट हुए और 163 ईयर्स बाद टेलीग्राम का जो यूज़ है उसको बंद कर दिया गया। इन पास शॉर्ट एंड प्रिसाइज मैसेजेस वर सेंड थ्रू पोस्ट इन केस ऑफ एमरजेंसीज, दीज वर कॉल्ड टेलीग्राम्स। और इन्हीं को हम टेलीग्राम्स बोलते थे पोस्ट ऑफिस के थ्रू, छोटे छोटे बहुत ही संक्षिप्त, सिर्फ इम्पॉर्टेंट मैसेज एक या दो लाइन में भेजा जाता था और सबसे फास्ट इनकी डिलीवरी की जाती थी तो उसके लिए टेलीग्राम यूज़ किया जाता था। ऑलराइट चिल्ड्रन, नाउ लेट्स लर्न अबाउट अ फन फैक्ट। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन वर्ल्ड विद 1,55,015 पोस्ट ऑफिसेज, यानी इतने सारे 1,00,000 से भी ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज, एक क्या बल्कि 1,50,000 से भी ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज है इंडिया में। सबसे बड़ा वर्ल्ड का पोस्टल नेटवर्क जो है इंडिया में ही है। द हाइएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड इज एट सिक्किम इन हिमाचल प्रदेश। ऑल राइट, हिमाचल प्रदेश में हाइएस्ट पोस्ट ऑफिस है जो सबसे ऊंचाई पे स्थित है। नाउ टेलीफोन्स एंड मोबाइल्स, हम लोग टेलीफोन्स यूज़ करते हैं, आजकल तो मोबाइल फोन्स यूज़ करते हैं। लाइफ कितनी ईजी हो गई है ना टेलीफोन और मोबाइल्स के लिए, लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने टेलीफोन बनाया था, आइए पढ़ते हैं। द टेलीफोन इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे जल्दी और सबसे आसानी से हम टेलीफोन के थ्रू मैसेज पहुँचा देते हैं। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया था। Today, mobile phones are popular because they are portable and service like SMS, that is short message service, have made communication faster and easier.
टेलीफोन्स को ही धीरे धीरे इम्प्रूव करते करते आजकल हम लेटेस्ट आईफोन्स और मोबाइल फ़ोन्स पे पहुँचे हैं। अब SMS करना बहुत ईजी हो गया है, कॉल सेकेंड्स में कनेक्ट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। हम डायरेक्टली जिससे भी बात करनी है उसके फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। वी कैन स्टे इन टच विद अवर फैमिली मेम्बर्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मोबाइल फ़ोन, ईमेल्स, इंटरनेट के थ्रू हम ईजीली किसी भी दुनिया में हमारे कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी जानने वाला हो, उसके साथ ईजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अनदर फैक्ट इज दैट नाउअडेज मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ फॉर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। शॉर्ट मैसेज सर्विस दैट इज SMS इन मोबाइल फ़ोन्स हैज़ मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड ईजीएस्ट। SMS जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है कम्युनिकेशन को। ऑलराइट, फैक्स मशीन, दिस इज़ अ फैक्स मशीन, दिस इज़ अ टेलीफोन, दिस इज़ अ स्मार्टफोन, दिस इज़ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सभी मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अब आइए, फैक्स मशीन दैट इज़ फैसिमाइल ऑटोमेटेड ज़ेरॉक्स इज़ यूज्ड टू सेंड प्रिंटेड और रिटन मटेरियल्स इंस्टेंटली। ये ज़्यादातर ऑफिसेज में यूज़ होता है, जब भी हमें कोई डायरेक्ट मैसेज भेजना होता है तो हम फैक्स के थ्रू करते हैं। यहाँ हमने टाइपिंग शुरू की, कमांड दिया और दूसरे मशीन पे अगर फैक्स मशीन ऑन होगा तो इमीडिएटली कोड्स के थ्रू कनेक्ट होकर वहाँ पे मैसेज प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, विद जस्ट अ प्रेस ऑफ बटन लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स कैन बी सेंट एनीवेयर। एक बटन क्लिक करते ही कहीं पर भी आप मैसेज या डॉक्यूमेंट्स को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Now, can you name the fastest means of communication? That is telephone. What is the full form of fax? Facsimile automated Xerox. Okay. Now, AI, artificial intelligence, that has also developed the communication to lot of extent. AI की मदद से हमें किसी भी चीज़ के बारे में चुटकियों में नॉलेज मिल सकती है, हम अपना काम बहुत ईजी कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं, राइट? इंटरनेट एंड ईमेल्स, दैट इज़ द 21st century, यानी जिस युग में हम लोग जी रहे हैं। आज हमें कुछ भी करना हो तो हम गूगल पे या इंटरनेट पे ईजिली क्लिक करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है, राइट? हमें किसी को चिट्ठी लिखनी है, हम इमीजिएटली मेल कर देते हैं ईमेल पर, राइट? तो इसने हमारी लाइफ को और भी ज़्यादा ईजी कर दिया है। कंप्यूटर्स प्ले अ मेजर रोल इन कम्युनिकेशन टूडे। Using internet we can send emails and electronic mails quickly. Pictures and messages can be shared instantly and we can also access latest news and weather reports around the world. यानी कि हमें वर्ल्ड से ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरनेट जोड़ रहा है। कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, इंटरनेट के थ्रू हम अपने काम को बहुत ही फास्ट और जल्दी और एफिशिएंटली कर सकते हैं, ठीक है? इंटरनेट की फैसिलिटी की वजह से हम वर्ल्ड में किसी भी कोने में किसी भी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं मास कम्युनिकेशन के बारे में। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है बेटा, जब हमें इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के जगह बहुत सारे लोगों से एक साथ बात करनी हो। ऑलराइट, मास कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड व्हेन वी नीड टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। यानी अगर हमें बहुत सारे लोगों को एक टाइम पर मैसेज देना हो तब हम मास कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। वॉचिंग TV, लिसनिंग टू रेडियो, सर्फिंग द इंटरनेट, रीडिंग न्यूज़पेपर, ये सभी मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? Newspapers, magazines, radio, television and internet and cinema are important forms of mass communication. इन सभी के थ्रू हम मास कम्युनिकेशन को पॉसिबल कर पाते हैं। जैसे कि अखबार में कोई चीज़ छप जाती है तो कई लोग, जितने भी लोग उस अखबार को पढ़ेंगे, एक साथ उन सब तक वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है। अगर न्यूज़ चैनल पे या मूवीज़ में कोई इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ मैसेज कन्वे किया जाता है तो एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग एक साथ इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो दैट इज़ वाई दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। Now let's quickly read the important terms that we came across in this chapter. First is the postal service, the oldest and the most inexpensive method of communication. It is postal service, post ke through bhejna. Internet, a communication network that connects computers all over the world. Yani ki aisa network jo ki world ke sare computers ko ek saath connect karta hai ya jodta hai.
Let's quickly look over what all we studied in this chapter. The word communication means exchange of information. Long ago, people used sign language, drum beats, fire signals, etc. to send messages. Some common means of communication are posts, telephones, mobile phones, fax and email. And last, mass communication is used when we need to convey information at the same time. बहुत से लोगों को जब एक ही टाइम पे इंफॉर्मेशन भेजना होता है तब हम मास कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज ऑफ MCQs. वी कैन कम्युनिकेट ऑफ टॉकिंग, लिसनिंग और सीइंग, प्लेइंग, साइन, राइटिंग. वी कैन कम्युनिकेट थ्रू टॉकिंग, लिसनिंग और राइटिंग. ठीक है. नेक्स्ट, एंड SMS इज यूजली सेंड थ्रू. SMS हम मोबाइल फोन्स के थ्रू सेंड करते हैं, राइट. द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें से जो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो टेलीफोन है, राइट. न्यूज़पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन. विच ऑफ दीज इज नॉट अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? लेटर्स. हम लेटर्स जो है पर्सनल मैसेज पे भेजते हैं, मतलब पर्सनली किसी एक इंडिविजुअल को भेजते हैं. लेटर मास कम्युनिकेशन नहीं करते. ठीक है. ऑलराइट चिल्ड्रन, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. लेट्स टेक देम वन बाय वन. द फर्स्ट वन, डैश डिड नॉट नो एनी लैंग्वेज. अर्ली मैन डिड नॉट नो एनी लैंग्वेज, है ना, आदि मानव, अर्ली मैन. द टेलीफोन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सो फास्टेस्ट. यहाँ ट्रांसपोर्ट लिखा है बेटा, दिस इज रॉन्ग. इसकी जगह कम्युनिकेशन कर लीजिए, राइट. थर्ड, कंप्यूटर्स प्ले अ मेजर रोल इन द डैश टुडे. कंप्यूटर्स प्ले अ मेजर रोल इन द कम्युनिकेशन टुडे. राइट. फोर्थ, द वर्ड डैश मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. द वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स. नेक्स्ट, फिफ्थ वन, पिक्चर्स एंड मैसेजेस कैन बी शेयर्ड इंस्टेंटली थ्रू इंटरनेट. ईमेल्स, ईमेल्स के थ्रू भी कर सकते हैं हम, और इंटरनेट. दोनों ही आंसर सही है, क्योंकि ईमेल करने के लिए भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट. क्लियर. ऑल राइट, नाउ लेट्स अनस्क्रैम्बल द लेटर्स. कुछ वर्ड्स जो है जम्बल्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको इन वर्ड्स को ठीक से अरेंज करना है और सही वर्ड्स बनाने हैं. फर्स्ट वन इज न्यूज़पेपर. सेकेंड इज ईमेल. थर्ड इज टेलीविजन. फोर्थ इज फैक्स. ठीक है. नेक्स्ट, फिफ्थ वन इज कोरियर. एंड लास्ट इज लेटर, राइट. ये आपके अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड्स हैं. आई होप यू हैव ऑल्सो नोटेड दीज इन योर एक्सरसाइज बुक. आपने भी ये सारे कर लिए होंगे. आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं. नाउ वी हैव मैच द फॉलोइंग. वी हैव टू डू मैचिंग. ओके, नाउ फैक्स. फैक्स इज यूज्ड टू प्रिंट मैसेजेस. ऑलराइट. पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस बेसिकली हेल्प्स टू इशू लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड. ऑलराइट. नेक्स्ट वी हैव मास मीडिया. जब हमें बहुत से लोगों को करना पड़ता है तो उसके लिए मास मीडिया में न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन इज़ द राइट ऑप्शन. देन वी हैव स्पीड पोस्ट. स्पीड पोस्ट के थ्रू हम लेटर्स को जल्दी पहुंचा सकते हैं. एंड SMS का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस. ऑलराइट. सो SMS को हम इससे कनेक्ट करेंगे, शॉर्ट मैसेज सर्विस. सो आई होप यू हैव डन द मैचिंग एज वेल. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ वी हैव नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर ई. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. दिस इज समथिंग टू बी डन बाय यू. आप ये खुद करेंगे. आई विल क्विकली गिव यू द हिंट्स. How did people communicate long ago? People communicated through signs and symbols.
long ago by drawing pictures, by signs, symbols, sounds, drum beats and fires. What is a means of communication? Anything that helps us to communicate with each other, or anything that helps us to send information from one place to another, that is known as communication, means of communication. What are the modern means of communication? There are different modern means of communications like telephone, newspapers, radio, internet, computers, emails, fax, etc. What are telegrams? Telegrams were used in olden times. These were short and precise messages which were sent quickly to the postal offices. Fifth, what is postal system? The system of post offices, letters, where a number of people write letters, telegrams and send them through postal services is known as a postal system. Okay. Sixth, what is mass communication? When we have to send information to a large number of people or public, it is known as mass communication. All right. And mass communication is done through newspapers, radios, televisions, etc. Okay. So I hope you have understood how to do these questions. अब आप इन्हें खुद कर सकते हैं. So देर किस बात की, अपने इन questions को जल्दी से notebook में solve कर लीजिए. With this, we are done with this chapter as well. So children, I hope that you have understood how man has progressed, धीरे धीरे कैसे हम लोगों ने progress किया है और किस तरीके से हमने different means of communications को develop किया है और हमारी life को और ज़्यादा बेहतर बनाया है. So I will meet you again soon with a new chapter of your book, that is Jelly Bean Journeys. Till then, stay tuned for the new video and take care of yourself. Bye bye.